easy go. हेलो गेमर्स, क्या हाल है यार। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है FPS शूटिंग गेम्स के ऊपर होने वाला है, लाइक CS:GO, कॉल ऑफ ड्यूटी और रेसिडेंट इविल इन जैसे गेम के ऊपर। और ये जो गेम्स मैंने अभी तुम्हें बताया, ये सारे गेम्स हैं लैपटॉप और PC के लिए। बट ये जो गेम्स हैं मैं आज तुम्हें फ़ोन में डाउनलोड, मतलब एंड्रॉयड में कैसे डाउनलोड करना है ये बता दूंगा। और ये जो गेम्स है गाइज, ये 600 MB से भी कम साइज़ के हैं। और जो तुम्हें ग्राफिक्स क्वालिटी मिलेगी, ये कम से कम 1 to 150, मतलब 1.5 GB तक की ग्राफिक्स जैसे हुई होगी। और बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं इन गेम्स के, और बेस्ट ग्राफिक्स गेम भी बोल सकते हो तुम इसे। और ये इजीली तुम्हें प्ले स्टोर पर अवेलेबल भी मिल जाएंगे। तो गाइज, डाउनलोड करना भी इतना मुश्किल नहीं होने वाला तुम्हें। जो सारे गेम्स की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सारे जो गेम्स हैं मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो और सिंगल प्लेयर्स भी खेल सकते हो तुम। मतलब दो जो गेम मैं बताने जा रहा हूँ तो वो गेम्स है मल्टीप्लेयर और एक गेम है वो है सिंगल प्लेयर। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गेम से। तो हमारे फर्स्ट गेम का नाम है डेड ट्रिगर 2। तो बेसिकली ये ऐसा गेम है कि तुमने रेसिडेंट इविल खेला होगा, जैसे जोम्बी एपोकलिप्स आता है तो ऐसे ही ये गेम होने वाला है। बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है इसके, और ऊपर से लेवल्स में है ये गेम। बहुत अच्छे अच्छे मिशन तुम्हें करने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। और देख सकते हो, तो मैं तुम्हें इसका ट्रेलर भी दिखा देता हूँ अभी। तुम पहले ट्रेलर देख लो, फिर मैं मिलता हूँ उसे। तो ओके गाइस, जो अभी आपने गेम प्ले देखा है, ये गेम पे जो होने वाला है ये सिंगल प्लेयर होने वाला है। और ये जो गेम है तुम्हें प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इस गेम का साइज़ अगर मैक्सिमम नहीं 300 MB के अंडर है तो ओके। तो ये गेम्स हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। जो नेक्स्ट गेम है हमारा क्रिटिकल OPS। तो ये लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी गेम होने वाला है। जिनका भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लैग करता है तो ये गेम आप खेल सकते हो। और ये मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है, तो आप दोस्तों को भी डाउनलोड करके मल्टीप्लेयर खेल सकते हो दोस्तों के साथ। तो इसका भी तुम ट्रेलर देख लो, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट गेम बताता हूँ। तो ओके गाइस, जो अभी आपने गेम प्ले देखा है ये क्रिटिकल OPS का था। और ये गेम जो है ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ये जल्दी ही आने वाली है ऐप स्टोर पे। तो अभी ओनली प्ले स्टोर पे है। तो जो बंदे प्ले स्टोर मतलब एंड्रॉयड में खेलते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट iOS में जो खेलते हैं उनको, आईफोन में जो खेलते हैं वो नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज अभी ऐप स्टोर में नहीं आया गेम। तो ओके गाइस, अभी अगला जो गेम होने वाला है वो हमारा टॉप गेम होने वाला है, जिसका नाम है स्टैंड ऑफ 2। तो ये गेम एकदम मतलब डिटो कॉपी है काउंटर स्ट्राइक का, फ़ोन के लिए जो काउंटर स्ट्राइक है उसकी कॉपी है। और डायरेक्टली एकदम मस्त गेम है। इसकी ग्राफिक्स भी तुम्हें एकदम क्लियर और HD मिल जाएंगे। इसका गेम प्ले भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा अगले वीडियो में।
तो अभी फिलहाल तो इसका ट्रेलर जो है तुम देख सकते हो, बिकॉज इसका ट्रेलर जो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और गेम भी ऐप स्टोर पे आ चुका है और iOS में भी ये गेम अवेलेबल है। तो कि तुम पहले गेम प्ले अपना ट्रेलर देख लो, फिर बाद में मिलता हूँ। तो ओके गाइस, जियो जो अभी गेम देखा है ये तो तुम पक्का डाउनलोड करना, बिकॉज ये बहुत अच्छा गेम होने वाला है। यहाँ पे तो ये गेम है तुम्हारे लो एंड से लो एंड डिवाइस में बहुत अच्छा चलने वाला है, और 2 GB रैम का भी फ़ोन होगा तो भी एकदम मस्त चल जाएगा। 1 GB रैम में हल्का सा लैग करेगा बट वो भी अच्छा चल जाएगा, बिकॉज ये इतना लोड नहीं देता CPU पे अपने। और ग्राफिक्स जो है तुम अल्ट्रा पे चलाओगे तो लैग तो करने वाला है, बट यार मीडियम ग्राफिक्स में अगर रखोगे तो बहुत अच्छा चलने वाला है गेम। तो मैं इसी गेम का जो इसी जो ये जो गेम है हमारा, इसका भी मैं गेम प्ले डालूंगा जल्दी अगले वीडियो में। तो ओके, अभी तो फिलहाल इतना ही है, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।